देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाई जो दिल्ली के शासन तक को राशन की भेंट चढ़ाता है, भूखे रह करके भी भूखों की भूख मिटाया करता है, जब उनकी क्षुधित वेदना का उपहास उड़ाया जाएगा, हे बंद बता दो खेत और खलिहानों के इन ढेरों का क्या होगा। अगला डिवीजन है हमारा एग्री इक्विपमेंट डिवीजन, कृषि उपकसकर इकाई। इसमें हमारे ट्रैक्टर्स आते हैं, रोटावेटर आते हैं, हार्वेस्टर आते हैं और बेलर आते हैं। जो हमारा हार्वेस्टर बिजनेस है, भारत में हम नंबर दो हैं। हम ट्रैक टाइप कंबाइन हार्वेस्टर बनाते हैं, का उपयोग गीली मिट्टी के दौरान, जैसे आपकी फसल कटने वाली थी लेकिन अचानक बरसात हो गई तो आपके टायर वाली कंबाइनें काम नहीं कर पाती, तो उसके लिए चेन वाली कंबाइन आई हैं, जिसका प्रमुखता से इस्तेमाल हमारा साउथ इंडिया, दक्षिण भारत करता था, लेकिन आपको गौरव के साथ बता रहा हूँ कि अब उत्तर प्रदेश में इन मशीनों की तैनाती बहुत बढ़ गई है। मैं आपको 45 हॉर्स पावर और 60 हॉर्स पावर की बात करूंगा, और आप लोग एक बार गर्व भी महसूस करेंगे इस बात पे, जोरदार ताली बजा सकते हैं आप लोग। मैं एक ओपन अनाउंसमेंट भी कर रहा हूं कि हम लोगों ने इसकी कीमतें भी ओपन करी हैं बाजार में। आपके यहाँ ओपनिंग में हम लोग इसकी एक नई कीमत लेकर के उतरे हैं। 45 हॉर्स पावर जो ट्रैक्टर होगा वो हम उपलब्ध करा रहे हैं 5,49,450 रुपए में, और साथ ही साथ 60 हॉर्स पावर की गाड़ी भी हम लगभग 6,49,999 रुपए में लॉन्च कर रहे हैं। और 60 हॉर्स पावर की गाड़ी, मुझे नहीं लगता कंपटीशन की किसी भी मॉडल की गाड़ी, अगर 60 हॉर्स पावर की हम बात करेंगे तो 7,50,000 के नीचे मिलने जा रही है। तो 1 से 1.5 लाख रुपए का आपको इंस्टेंट मुनाफा देंगे। नमस्कार, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी में। और आज ग्रीन टीवी की टीम जो है वो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के अकबरपुर में है, और आज यहाँ हम चौपाल लगा रहे हैं इस ट्रैक्टर के सहयोग से, जिसका मकसद है ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर चर्चा करना, इसके बारे में बताना और इसके पास क्या अलग प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे किसानों के लिए है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मौजूद जितने भी हमारे किसान भाई हैं, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी, और उम्मीद है कि अगला 1-2 घंटा जो है वो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, और आप यहाँ से जाते जाते बहुत सारी जानकारी लेके जाएंगे। तो हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं जो इस चर्चा में भाग लेंगे और जो आपको बताने वाले हैं, वो हैं मनीष दीक्षित जी, ये जोनल हेड है ईस्ट फरीदाबाद से। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है श्री बुद्ध देव द्विवेदी जी, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर अंबेडकर नगर अकबरपुर। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर ए के सिंह सर, ये जिला सलाहकार है अंबेडकर नगर अकबरपुर से। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है शक्तिनाथ तिवारी जी, ये स्टेट हेड है उत्तर प्रदेश से इस ट्रैक्टर के। तो सर आपका भी स्वागत करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है सुशील कौशिक जी, ये स्टेट हेड है यूपी वेस्टर्न के। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है श्रीकांत पांडे जी, एरिया हेड ईस्टर्न यूपी के। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है राजकुमार मिश्रा जी, एरिया हेड ईस्टर्न यूपी के। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और बोनू सिंह जी हैं जो कि डीलर हैं एस इंडिया के, जो कि बताएंगे कि यहाँ एस से जुड़ने के बाद क्या उनका क्या रिएक्शन है। सर आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, साथ ही में ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे मौजूद जितने भी हमारे किसान हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आज जो ये हमारा मीटिंग है, चौपाल है, तो जो भी सर लोग बताएंगे उसमें से 5 सवाल पूछा जाएगा आपसे, और जो भी सही जवाब देंगे उनको हमारी तरफ से कुछ इनाम दिया जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप गौर से सुने कि सर लोग क्या बता रहे हैं और ये कितना उपयोगी है आपके लिए, और कोई सवाल जवाब है, कोई समस्या है आपकी तो आप दिमाग में रखें, और लास्ट में हम सवाल जवाब भी रखेंगे कि आपकी जो भी समस्या है हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान भी हो सके। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी मनीष दीक्षित जी का, जोनल हेड एस फरीदाबाद से। सर आप ओवरऑल एस ट्रैक्टर्स के बारे में बताएं और हमारे किसान भाई कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में बताएं। सबसे पहले जो हमारे सामने बैठे लोग हैं इनके लिए जोरदार तालियां, और बड़े गौरव की बात है कि हम लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पर हैं। अपने साथ यहाँ पर हमारे एक नियर बाई डीलर सुल्तानपुर श्री देवी शंकर जी उपस्थित हैं, और जो हमारी यहाँ पर अकबरपुर से आए हुए कृषक भाई हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ एस परिवार की तरफ से। साथियों, मेरे को जिम्मेदारी मिली है कि मैं एस के बारे में आपको कुछ बताऊँ। मैं आपको एस के बारे में भी बताऊँगा और
ट्रैक्टर का उपयोग और ट्रैक्टर का चुनाव कैसे करें, इसके बारे में भी थोड़ा सा मार्गदर्शन आपका करूंगा। साथियों, जो एस है ये पूर्णतया भारतीय कंपनी है और इसका नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है क्रेन और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने के लिए। इसके चार मुख्य विभाग है। जो पहला विभाग है उसका नाम है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट डिविजन, यानी सामान उठाने से संबंधित उपकरणों को बनाने वाला डिविजन। में हमारी बहुत सारी तरीके की क्रेनें आ जाती हैं। हम लोग इस समय जो उत्पादन कर रहे हैं वो 3 टन से लेकर 450 टन क्षमता की क्रेनों का उत्पादन कर रहे हैं भारत से। पहले ये सारा जो बड़ी क्रेनों का व्यापार था ये इंपोर्ट पर आधारित था, लेकिन मेक इन इंडिया ड्राइव के तहत, भारत में बनाए ड्राइव के तहत हम इन मशीनों का उत्पादन अब भारत में कर रहे हैं और भारत के उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। जो अगली डिवीजन है उसका नाम है रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डिवीजन। आजकल जब भी कोई अखबार पढ़ रहे हैं, जब भी कोई न्यूज चल रहे हैं तो बुलडोजर आ रहा है। तो बुलडोजर तो एक उपकरण का नाम है, लेकिन सड़क बनाने से संबंधित उपकरणों में आपकी कंपनी भारत में नंबर 2 पर है। तीसरा डिवीजन जो है वो है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट डिवीजन। आप अगर आज कोई नया और बहुत जल्दी बनने वाला पुल देखते हैं तो आप एक बहुत बड़ी मशीन देखते हैं जिसको पाइलिंग रिग बोलते हैं। लगभग वो 3 मीटर डाया का होल जमीन में करती है। इससे पुल बनाने के जो तरीके उसमें क्रांति हो गई है। आप बिना सड़क को रोके एक ब्रिज को बहुत जल्दी इंस्टॉल कर देते हैं। ब्रिज कहीं पर बनना होता है, पुल कहीं पर बनना होता है, पिलर यहाँ पर बनना होता है। जब पिलर बन जाते हैं तो सामान आके लगता जाता है और पुल बहुत जल्दी तैनात हो जाता है। आप माने कि 1.5 से 2 महीने में एक पुल को बनाया जा सकता है और चालू किया जा सकता है। तो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट डिवीजन में हमारा पाइलिंग रिग आता है और टावर क्रेन। अगला डिवीजन है हमारा एग्री इक्विपमेंट डिवीजन, कृषि उपकसकर इकाई। इसमें हमारे ट्रैक्टर्स आते हैं, रोटावेटर आते हैं, हार्वेस्टर आते हैं और बेलर आते हैं। जो हमारा हार्वेस्टर बिजनेस है भारत में हम नंबर 2 हैं। हम ट्रैक टाइप कंबाइन हार्वेस्टर बनाते हैं। ट्रैक टाइप कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग गीली मिट्टी के दौरान, जैसे आपकी फसल कटने वाली थी लेकिन अचानक बरसात हो गई तो आपके टायर वाली कंबाइनें काम नहीं कर पाती, तो उसके लिए चेन वाली कंबाइन आई हैं जिसका प्रमुखता से इस्तेमाल हमारा साउथ इंडिया, दक्षिण भारत करता था। लेकिन आपको गौरव के साथ बता रहा हूँ कि अब उत्तर प्रदेश में इन मशीनों की तैनाती बहुत बढ़ गई है। कारण, फसल कटनी है परसों, बरसात हो गई आज, अब खेत से फसल भी हटानी है लेकिन खेत से फसल हटाने के लिए टायर वाली कंबाइन नहीं चल पा रही, तो उसके लिए अपने लोग ट्रैक टाइप कंबाइन बनाते हैं। जैसे आर्मी का टैंक होता है उसके तरीके से चेन होती है, वो मशीन उस चेन पे चलती है। उसमें भारत में हम लोग नंबर 2 पे हैं। हम लोग साल की 650 से 700 कंबाइन हार्वेस्टर भारत में बना रहे हैं और किसानों को दे रहे हैं। अब आता है ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर हमारा उत्पाद रेंज में सबसे छोटा उत्पाद है। मतलब वैसे ट्रैक्टर अपने आप में बड़ा भीमकाय होता है, लेकिन अगर उत्पाद रेंज देखेंगे, अगर साइज देखेंगे तो सबसे छोटा आता है। तो हमारे संस्थान में ट्रैक्टर को वो स्थान मिलता है जो परिवार में शिशु को मिलता है, सबका ध्यान उस पर जाता है। तो हमारी डिवीजन का जो काम करने का तरीका है, हमारा प्रबंधन, जो हमारा मैनेजमेंट है, उसका पूरा विशेष ध्यान रहता है कि ट्रैक्टर पर हम लोग फोकस करें, नई नई टेक्नोलॉजी दें। और अभी एक अवार्ड सेरेमनी भी हुई है, भारतीय ट्रैक्टर ऑफ द ईयर, इस साल का भारतीय ट्रैक्टर। तो लास्ट ईयर हमें उसमें एक अवार्ड मिला है और इस साल भी हम लोग निश्चित रूप से 1-2 अवार्ड जीतेंगे। अभी उसका रिजल्ट 25 जून के आसपास आएगा, तो आप सभी लोग जो हम लोगों से या YouTube चैनल से कनेक्टेड होंगे उनको इस बारे में जानकारी मिल पाएगी। अब साथियों, हम लोग ट्रैक्टर की अगर बात करें तो एस अपने ट्रैक्टर उत्पादन श्रृंखला में 15 हॉर्स पावर से लेकर और 90 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर भारतीय बाजार में देती है। एस 15 हॉर्स पावर से लेकर 100 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर विदेशी बाजार में देती है। हम लोग लगभग 35 देशों में अपने ट्रैक्टरों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग कृपया अपने मन को विचलित ना किया करें जब ट्रैक्टर लें। ट्रैक्टर का हॉर्स पावर से तो चुनाव करें, लेकिन उसका टार्क, जो उसकी ताकत है, जो पहिए पर उपलब्ध है या पीटीओ पे उपलब्ध है, उसको जरूर आज के बाद देखना शुरू करें। आपका जो ट्रैक्टर है वो अपने पिछले पहिए पर घूमने के लिए कितना बल आघूर्ण दे रहा है, ये बेसिक आपकी खिंचाई है। आप ट्रैक्टर की बोल रहे हैं खिंचाई बहुत अच्छी है, तो उसका हॉर्स पावर से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग जब जब बात करते हैं कि ये ट्रैक्टर की खिंचाई बहुत अच्छी है, तो आप सामान्यतः उसके टॉर्क की बात कर रहे होते हैं, उसके बल आघूर्ण की बात कर रहे होते हैं। ऐसा संभव है कि यहाँ पर एक कुश्ती हो जिसमें 75 किलो 80 किलो भार वर्ग के दो पहलवान लड़े, लेकिन
80 किलो भार वर्ग से हम लोग बराबर हो गए, तो हॉर्स पावर 50-50, 60-60 दोनों ट्रैक्टर बराबर हॉर्स पावर के, लेकिन ताकत दोनों की अलग अलग होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ वैज्ञानिक तरीका ट्रैक्टर के चुनाव का। अगर एक छोटा सा टारगेट यहाँ से हम लोग लेके जाएं कि इस परिवार से इस साल एक सदस्य को हमें जोड़ना है ट्रैक्टर के खरीदार के तौर पर, तो मेरे को लग रहा है कि इस जिले का मार्केट लीडर इस साल का मैं होने जा रहा हूँ। यहाँ पर बैठा 200 का जो जनमानस है, अगर एक ट्रैक्टर देगा और मेरा डीलर भी अपने आप में 100 ट्रैक्टर करेगा, तो 300 ट्रैक्टर पे हम शायद जिले के सेकंड या पहले मार्केट लीडर होने जा रहे हैं। तो ये मार्केट लीडरशिप नहीं है, ये ट्रैक्टर नहीं है, ये आप किसान हैं जिन्होंने किसी ब्रांड को ब्रांड बनाया है उस तहसील में या उस ब्लॉक में या उस जिले में। तो एस आपको 3 चीज़ें ऐसी देता है जो अन्य निर्माताओं से ज़्यादा हैं या सुपीरियर हैं। जो पहली चीज़ है एस ट्रैक्टर जो आपको देता है, वो देता है ज़्यादा सीसी। आप खरीद रहे हैं 100 सीसी की बाइक, पैसा दे रहे हैं 100 सीसी की बाइक का, मैं आपको 150 सीसी दे रहा हूँ, जिसका मूल्य बाजार में 25-30 हज़ार रुपये सीसी के आधार पर ज़्यादा है, जो हम आपको अधिक देते हैं अपने किसी भी कंपटीशन निर्माता से। दूसरा दे रहे हैं कम आरपीएम। अगर ये जो ऊपर पंखा चल रहा है 300 आरपीएम पे चल रहा है, एक मिनट में 300 चक्कर। अगर कोई कंपटीशन का निर्माता 2100 ट्रैक्टर आरपीएम पर ट्रैक्टर बना रहा है, तो हम 1800 आरपीएम पे बना रहे हैं, यानी जितना ये पंखा तेज चल रहा है इतना आरपीएम कम एक मिनट में, एक घंटे में 18000। तो आप अगर सामान्य देखें, हर चक्कर में डीजल लगा, हर चक्कर में घर्षण लगा, तो मरम्मत का खर्चा कम, डीजल का खर्चा कम, ताकत उतनी ही, इससे आपकी मोबिल की खपत कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट घटती है, ट्रैक्टर की उम्र बढ़ती है, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगी इस ट्रैक्टर के साथ। तीसरा चीज़ हम आपको देते हैं सर्वश्रेष्ठ बैकअप टार्क। जो टार्क है ट्रैक्टर का 60 हॉर्स पावर श्रेणी में सबसे अच्छा, 45 में सबसे अच्छा, 50 में सबसे अच्छा, 40 में सबसे अच्छा, तो आपको हॉर्स पावर उतना ही मिला, आपको ताकत ज़्यादा मिली। ये 3 चीज़ें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं ट्रैक्टर की उम्र के लिए, चलाने के खर्चे को लेकर, और जिस तरीके से डीजल की कीमत बढ़ रही है, आपको एक ऐसा ट्रैक्टर चाहिए होता है जो कम ईंधन लेकर बराबर काम कर दे। तो आपके जितने भी आजकल कृषि उपकरण बन रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब और सिंह साहब इसको और अच्छा बताएंगे, लेकिन उनमें हॉर्स पावर की ज़रूरत अब नहीं रह गई है, उसमें रह गई है टार्क की ज़रूरत। जमीन में एक हार्ड पैन डेवलप हो गया है 7-8 इंच नीचे, जो पन्नी जैसा है, पॉलीथीन जैसा है, और इसके बाद इसकी कटाई जरूरी है। तो आज की डेट में जो उपकरण मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, वो होगा रिवर्सिबल प्लाउ। आप कम से कम 1-1.5 साल के फसली चक्र में एक बार अपनी जमीन को 1.5 फीट जरूर खोदिए। इससे आपके उर्वरक का खर्चा घटेगा, दवाओं का खर्चा घटेगा, खरपतवार घटेगा, आप जैविक खेती की तरफ थोड़ा सा बढ़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ज़बरदस्त पिछले 4 साल से प्रोग्राम चल रहा है कि हम पराली ना जलाएं, इसके लिए अनुदान भी मिले, इसके लिए स्कीम्स भी आई। तो अगर हमारे पूर्वज जीरो फर्टिलाइजर खेती करते थे, तो हमें भी धीरे धीरे जीरो फर्टिलाइजर खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। जो ज़मीन में बचा उसको ज़मीन को अर्पण कर दें दोबारा से। माध्यम है आपके, आपका सबसॉइलर है, आपका मल्चर है, आपका बेलर, जिसको मैंने अभी बेलर बोला, आप बेल बेचकर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप ज़मीन पे छोड़, जितना बच गया उसको दबा दें, और जितना उठा सकते थे उसकी रिकवरी कर लें, तो आपकी खेती से आपको डबल फायदा मिलेगा। तो आप लोग आज के बाद अपने को थोड़ा सा फोकस करें कि आप लोग रिवर्सिबल MB प्लाउ पर काम करें, आप सब सॉयलर्स पर, मल्चर्स पर काम करें, और खेती में जो हम लोग दवाओं का उपयोग है उसको घटा पाएँ, उर्वरा शक्ति को बढ़ा पाएँ। और एस का एक सिंगल मोटो है कि किसान के मन में जो ट्रैक्टर सपने में आता है, एक जीरो कॉम्प्रोमाइज ट्रैक्टर, वो हम आपको अपने प्लांट के माध्यम से उपलब्ध कराएं। आज 45 से 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर के दाम में एस आपको 60 हॉर्स पावर, डबल क्लच, पावर स्टेयरिंग, CRPTO, फुल फीचर साइड गियर ट्रैक्टर उपलब्ध कराती है। आज हम जिस दाम में 60 हॉर्स पावर ट्रैक्टर दे रहे हैं, 2015 में भी कोई निर्माता नहीं देता था, 14 में भी नहीं देता था, और उससे और आज तक की महंगाई आप सभी लोगों को अनुभव में है, आप सभी लोगों के महसूस करने में है। तो जब आप यहाँ से लौटें, तो आपके एस के बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी लेकर लौटें। हमारा डीलर है, अगर आप लोगों को मौका लगे तो डीलरशिप पर ट्रैक्टर को देखें, आप स्वयं खरीदें या रिकमेंड करें। लेकिन इस कार्यक्रम को मैं सफल तभी मानूंगा जब कम से कम यहाँ बैठा हर एक आदमी
अपने लिए इमोशनल तरीके से एक इंक्वायरी साल में देने के लिए प्रतिज्ञा करके निकले, तो मेरा आना सफल रहेगा फरीदाबाद से। और बाकी मैं आपसे एक बार दोबारा भी रूबरू होऊंगा कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद प्रस्ताव में। मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को अंशु कुमार जी दोबारा से आगे बढ़ाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत गौरव लग रहा है और एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। ग्रीन टीवी की तरफ से और एस ट्रैक्टर की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। और अगला जो मैं बुलाना चाहूँगी, सबसे पहले मैं जो बताना चाहूँगी कि कृषि विभाग का, किसी भी जिले के कृषि विभाग का बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे नई तकनीकों के बारे में, नए प्रोडक्ट के बारे में और नई योजनाओं के बारे में किसानों तक पहुँचाया जाए। तो मैं श्री बुद्ध देव द्विवेदी जी से निवेदन करना चाहूँगी, यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हैं सर, आप बताएं कि किस तरीके से डिप्टी डायरेक्टर जो कार्यालय है वो काम करती है किसानों तक पहुँचने में और कैसे किसान जुड़ते हैं डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय से। मित्रों, ये सौभाग्य की विषय है कि देखिए, जो ये तकनीकी ज्ञान है और जो मशीनीकरण है, मैकेनाइजेशन है, इस पर भारत सरकार का बहुत जोर है। और जब मैकेनाइजेशन आज के करीब 20 साल 25 साल पहले शुरू हुआ था तो अब लगता था कि ये बेकार है और श्रम को बर्बाद करेगा और बेरोजगारी पैदा करेगा। मुझको एक घटना याद आती है कि कंप्यूटर पर जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो उस दिन मैं मौके से भगवान की कृपा से मौजूद था और जॉर्ज फर्नांडीज जी इसका विरोध करते थे कि कंप्यूटर से बेरोजगारी बढ़ेगी। और हमको याद है कि जब हम बम्बई में, हमारे एक फूफा से रिश्तेदार थे, वो टिकट के लिए प्रयागराज इलाहाबाद में जाते थे, मैं उनका टिकट कराने जाता था, तो जो बाबू था वहाँ का, वो हमको कई दिन दौड़ाता था। मैं जाता था जो है कक्षा 10-11 में पढ़ता था तो कहता था कि अभी नहीं बताऊँगा, कल नहीं बताऊँगा, और टिकट जिसका जिसका मन में आता था, जैसे जैसे आता था वैसे वो टिकट कर देता था, और जो चार्ट हाथ से बना देता था वही बम्बई तक का फाइनल टिकट होता था। एक समय वो भी था और एक समय ये भी कि किसी को एक भी टिकट इधर उधर कर नहीं सकता और सब कंप्यूटर से एकदम सुगमता से हो जाता, जो जहाँ से चाहता वहाँ से करा लेता है। तो कभी भी मैकेनाइजेशन का विरोध न करिए। जब बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो उसमें नई चीज़ें उभर कर आएंगी और उसी की कड़ी में ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो कंपनी है, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है उस पर भी ये कंपनी काम करती है, उस पर भी सहयोग करती है। अच्छी कंपनी है, मतलब ये कंपनी जो हमारे देश में, इसमें सड़कें बन रही हैं बहुत हाईएस्ट स्पीड में बन रही हैं कि हमने मतलब कई देशों को पीछे छोड़ दिया है जिस सड़क के निर्माण के क्षेत्र में। प्रतिदिन इतना 45 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़कें बन रही हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। तो जब इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो वो फिर काम नहीं हो पाएगा, उसमें भी एक कंपनी काम कर रही है। इनके ज्ञान की बात एक मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसको मैं रिपीट करूंगा। उसमें रिपीट की क्या बात है, फिर मैं अपने किसी विषय में दो तीन बातें बताऊंगा। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे भी दिमाग में था, माइंडसेट था कि वो हॉर्स पावर से जो है वो ट्रैक्टर की ताकत बढ़ती थी, मेरे भी दिमाग में था। लेकिन जब इंजीनियर साहब ने इसके बारे में विस्तार रूप से आपको बताया तो बताया कि नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि वो उसका हार्स पावर से उसका तुलना हो, कुछ कम हार्स पावर का भी इंजन उससे ज़्यादा काम कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है। तो ये तकनीकी ज्ञान है। किसान भाइयों, हम आपसे जुड़े रहते हैं, हम समय समय पर आपसे मिलते रहते हैं। देखिए, हम तो वहाँ पर अपना दरबार खुला रखते हैं हमेशा, कोई भी किसान कभी भी आवे, और कभी हम किसी को रोकते नहीं, टोकते नहीं, बल्कि जैसे ही पता चलता किसान आए दरवाज़ा खुला रहता, आप आओ हमसे अपनी बात रखो, हम आपकी बात सुनते हैं। हमने 4-5 काउंटर भी खोल रखे हैं कि जो किसान हैं वो अपना वहाँ आएँ और संपर्क करें और देखें कि क्या कमी है और क्या अपनी बात वो रखना चाहते हैं। इस तरह से हम लोग सजगता से काम कर रहे हैं। धान का बीज उपलब्ध हुआ है, ढांचे का बीज उपलब्ध हुआ है। अभी एक हमारे मंडल अध्यक्ष कन्हैया सिंह, उनका कल फ़ोन आया था, उन्होंने हमको कुछ बताया। तो हम फोन पर, कभी भी कोई किसान फ़ोन करे हम उसको अपना फ़ोन नंबर देते हैं और बात करते हैं, कभी कोई उसको समस्या नहीं होती। एक दो मिनट की बात आप करिए, दिन भर में 100-200 किसान हमसे संपर्क करते हैं। तो खाली आपको फ़ोन करने का तरीका बताता हूँ, जैसे आप पहले फ़ोन करिए अगर हमको, तो बताइए कि मैं किसान बोल रहा हूँ, तो सर्वोच्च प्राथमिकता आप जैसे सुनूंगा किसान बोल रहा है तो हमको पूरा सुनाई पड़ने लगेगा कि किसान बोल रहे हैं। हाँ भैया बताओ, तो उसमें आप बताओ किसान बोल रहे हो, काम क्या है, एक लाइन में बताओ कि काम ये है,
बहुत लंबा चौड़ा ना बोलो, बोलो कि भाई हमारा काम साहब ये है, मैं इस ब्लॉक से हूँ, मेरा ये काम है। इस तरह से आप हमारा कम समय में हम ज्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं, ज्यादा लोगों से मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप लोग हमारे अन्नदाता हो। मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। मैं साधुवाद देता हूँ इन लोगों को जो इन्होंने हमको बुला करके किसानों से रूबरू कराया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं अगला जो निवेदन करना चाहूँगी, शक्तिनाथ तिवारी जी हैं, आज का जो मकसद है जो हमारा ट्रैक्टर और कृषि उपकरण पर चर्चा, तो एस ट्रैक्टर्स की तरफ से दो मॉडल है जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं। तो शक्तिनाथ जी स्टेट हेड हैं उत्तर प्रदेश के एस ट्रैक्टर्स से, सर आपका स्वागत है और प्लीज़ आप वो दो जो मॉडल है ट्रैक्टर्स का उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप लोगों ने इतने विषम समय में भी यहाँ पर आने का समय निकाला और एक साथ हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। हम अगर दो प्रोडक्ट की जो बात करने के लिए मुझे विशेष बोला गया है, तो हम जो 60 हॉर्स पावर गाड़ी दे रहे हैं वो सारे फीचर के साथ आपको दे रहे हैं। 4.1 लीटर सीसी का इंजन, 2200 आरपीएम, टार्क 221 न्यूटन मीटर, साइड शिफ्ट गियर है उसके साथ, पावर स्टेयरिंग, आपके ओआईबी ऑयल इमर्स ब्रेक हैं, CRPTO, DCB, बड़े टायर पीछे वाले 16/9/28 के, आगे के टायर 7.5 के, एडवांस हाइड्रोलिक 2100 केजी का, वो हाइड्रोलिक जो आज की डेट में आपके पास बाजार में उपलब्ध जितने भी हाइड्रोलिक हैं उनसे कई गुना बेहतर है। लिफ्ट क्षमता ही नहीं, सेंसिंग भी उसकी बहुत ज़्यादा है। आप उनको लगभग 100 पोजीशन पे रोक सकते हैं, ग्राउंड लेवल से लेकर के ऊपर तक लाने में आप 100 पोजीशन पर रोक सकते हैं, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट देने की कोशिश है जो कि आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। और आपके बीच में हमारे कुछ किसान हैं जो सुपर सीडर और बड़ी मशीनों को चला रहे हैं हमारे प्रोडक्ट से, मैं उनको भी आपसे रूबरू कराऊंगा, आप उनकी भी बात सुनेंगे कि हमारे प्रोडक्ट को लेने के बाद उनको कैसा महसूस हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, उस चीज़ के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। सिमिलरली 45 हॉर्स पावर की बात करें तो ये 2.9 लीटर सीसी का इंजन है, अगेन 2100 आरपीएम का इंजन और मजबूत ट्रांसमिशन, एडवांस हाइड्रोलिक 1800 केजी की, साइड शिफ्ट गियर और सारे टॉप फीचर्स अवेलेबल हैं प्रोडक्ट के साथ। तो कोशिश ये है कि एस अपने साथ अंबेडकर नगर के कम से कम किसानों को एक अच्छी कीमत पर एक अच्छा प्रोडक्ट उपलब्ध कराए। हमारे मोनू जी जो पहले भी ट्रैक्टर व्यवसाय से संबंधित रहे हैं और इन्होंने अपने कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस दी है, मुझे मालूम है कि इनके साथ जुड़ने से आप लोगों की सर्विस और अन्य सुविधाएं भी बहुत बेहतर होती जाएंगी। हम लोग दिल से कटिबद्ध हैं कंपनी स्तर पे और हमारे डीलर महोदय भी चूंकि इस काम में प्रवीण हैं, माहिर हैं और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। एक अच्छी टीम इनके साथ है जो कि आप लोगों की सेवाओं तक को सुनिश्चित करने का कार्य करेगी। तो हम मुझे पूरे विश्वास है कि जितना प्यार स्नेह आपने अन्य ब्रांड को दिया है उनसे ज़्यादा सुविधाएं हम देने जा रहे हैं आपको, और आप सभी के लिए एक बेहतर भविष्य की कामना करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, इस परिवार को मजबूत बनाइए और हमारा भी सहयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो मैं जो निवेदन करना चाहूँगी, डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी, सर आप हमें बताएं यहाँ पे जो बैठे जो हमारे किसान भाई हैं और यहाँ पे जो एस ट्रैक्टर्स से आए हैं, कि आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप दे यहाँ पे मौजूद जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं लोग उनको। जब हृदय की गहराइयों से भारत माता की जय बोलेंगे तो हमारे अंदर रक्त की धमनियों में वो प्रवाह भारत माता के लिए जरूर आएगा। तो एक बार बोलिए, भारत माता की। पुत्र बाढ़े पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में, ये मूल भाव सनातन धर्म से हमारे पूर्वजों ने बताई है। और मेहनत और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है, और ये किसान भाई जो मेरे बैठे हैं बहुत मेहनत मजदूरी से करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आज उनके बीच में अपने ACE ट्रैक्टर की लॉन्चिंग और उस पर चौपाल, अभी जोनल के हेड मनीष दीक्षित जी का विचार आप सबने सुना, आप सबका और विशेष रूप से जो किसान भाई दूर से चलकर इस संगोष्ठी में शामिल हुए हैं उनका हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ आप सबको कि मोदी जी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। मैं पढ़ रहा था तो 8 वर्षों में अगर मोदी सरकार ने सर्वाधिक किसी के लिए
बजट आवंटित किया है तो किसानों के लिए 1,32,000 करोड़ रुपए कृषि बजट के लिए जारी किया गया, यानी ये अपने बजट में पिछले वर्षों से 6 गुना का अंतर है। आप सब लोग, क्योंकि सरकार की आवश्यकता है, जब किसान मजबूत होगा, अन्नदाता मजबूत होगा, तो इस देश में सुखी समृद्धिशाली भारत के निर्माण में भूमिका को हम सब लोग न्याय कर सकते हैं। आप सब लोग इस संगोष्ठी में आए हैं, मैं विशेष रूप से इस एजेंसी के जो यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं विमलेन प्रताप मोनू सिंह जी, जो हमारे पदाधिकारी भी हैं, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, आप सब के प्रयास के कारण से बूंद बूंद से सागर भरता है और आप सब उस सागर के निर्माण में एक बूंद की भूमिका में, क्योंकि ये भारत आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सारे देश भारत के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, तो ये मोदी जी के कारण से हम सब जानते हैं भारत का सिरमौर आगे बढ़ रहा है। तो आप सब की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी उस भारत को आगे बढ़ाने में ये जो विश्व गुरु भारत बन रहा है, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, ये भारत की भूमिका में आपकी भी भूमिका उतनी महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कहता हूँ कि भगवान श्री राम जब अधर्म का नाश करने के लिए, रावण का वध करने के लिए समुद्र पर पुल का निर्माण कर रहे थे, एक गिलहरी भी बालू का एक कण उसमें डाल रही थी। बानरों ने मजाक में उससे कहा, गिलहरी तुम यह क्या कर रही हो? गिलहरी कह रहे, जो भगवान श्री राम धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जो अधर्म के नाश के लिए काम कर रहे हैं, मैं उसमें धर्म की रक्षा के लिए अपना योगदान दे रही हूँ। बानर हंसने लगते हैं, कहते, गिलहरी तुम्हारे इस बालू के एक कण में अथाह समुद्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? उसने कहा, प्रभाव इतना पड़ेगा, जब धर्म का इतिहास लिखा जाएगा, जब भगवान श्री राम का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरी भी भूमिका लिखी जाएगी कि मैं धर्म के साथ थी। तो आप सब लोगों की भूमिका इस भव्य भारत बनाने में लिखी जा रही है, यानी आपकी भूमिका इस भारत को आगे बढ़ाने में क्या है? गांव, गरीब, किसान के लिए संकल्पित है सरकार, नए विचार के साथ, नए संघर्ष के साथ। डीडी साहब बता रहे थे आप सबको कि एक फोन पर सूचना, ये आप ही के लिए नहीं है, यानी ये पूरा एक तंत्र। मैं बता रहा हूँ, मैं राजनीति में जब से आया हूँ 2014 में आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से मैं राजनीति में जब प्रवेश किया, तो आप संकल्पना करिए कि राजनीति की दिशा और दशा बदल गई। पहले राजनीति में गुंडा, मवाली, अराजकता के केंद्र, लग्जरी गाड़ियों से चलने वाले वाहनों से, काफिलों से, ग्लैमर लोग राजनीति में आते थे जो माफिया थे। आज राजनीति में सेवा का काम करने का अवसर। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, जो इस सेवा के काम में आना चाहता है उसका हृदय दल से मैं स्वागत करता हूँ। आप सब लोग इस भाव के साथ कि हमारी जो कंपनी है, इस कंपनी ने भी अभी बताया कि कई कई मॉडल्स में सरकार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने सभी सरकारी संस्थानों में प्रयोग के लिए इस कंपनी को मान्यता दी है। मेड इन इंडिया, मेड इन भारत, ऐसे सब के भाव को साकार करने का काम ये कंपनी कर रही है। आप सब लंबे समय से बैठे होंगे, आप सबका हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए केवल इतना कि हम अपनी भूमिका के साथ गाँव, गरीब, किसान के लिए जो हो सके वो पूरी मदद करें, ताकि गांव, गरीब का किसान सम्मान होकर, सम्मानित होकर, अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वाभिमान के साथ खड़ा हो सके। और जब किसान स्वाभिमान के साथ खड़ा होगा तो ये देश स्वाभिमान के साथ खड़ा होगा। मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि हमारे बीच में कुछ ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया है, वो अपना तजुर्बा, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और आप लोगों का जो भी समस्या है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नोट डाउन करके रखें, और कार्यक्रम के अंत में जो है, जो भी समस्या है, हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान कर सकें। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ही होता है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान करना। अगला जो मैं निवेदन करना चाहूँगी, सुशील कौशिक जी, ये स्टेट हेड है उत्तर प्रदेश वेस्टर्न के, सर आपसे जानना चाहेंगे कि हाइलाइट्स आप बताएं इस प्रोडक्ट्स के, वेस्टर्न यूपी में क्या क्या एक्सपीरियंस किसानों को हुआ है और आपकी तरफ से क्या क्या जो है वो कैसा एक्सपीरियंस रहा है, इसके बारे में हमारे यहाँ पे मौजूद जितने भी दर्शक हैं और ग्रीन टीवी के प्लेटफॉर्म के जरिए जो हमें देख रहे हैं उनको बताएं। सभी का अभिनंदन है यहाँ पर एकत्रित होने के लिए। मेरा नाम सुशील कौशिक है, मैं आगरा से लेके और देहरादून तक का पूरा एरिया देखता हूँ। मैंने जो वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि किसान बगैर ट्रैक्टर के अधूरा है, ये सब जान चुके हैं अच्छी तरह से कि बगैर ट्रैक्टर के हमारा काम नहीं हो सकता।
अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यंत्र बाजार में नए नए आते जा रहे हैं और लोग उन यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भारत सरकार हर तरीके से किसानों की मदद कर रही है, समय समय पर सब्सिडी आ रही है, लोग जिनको जानकारी है वो अपने पेपर्स जमा करा के अपना वेटिंग में करके अपने यंत्र का उपयोग लेने के लिए सरकार का जो हमें मिल रहा है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश दो फसलों के लिए ज़्यादा जाना जाता है, उसमें कुछ बेल्ट ऐसी है जो मेरठ बेल्ट है, उसके अंदर गन्ने के लिए जाना जाता है कि गन्ने की खेती बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा पैदावार की जो है वो 5 से 6 ज़िले हैं जिसमें बागपत, बड़ौस, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, ये बेल्ट गन्ने के लिए जानी जाती है। यहाँ पर हमारे ट्रैक्टर का जो उपयोग सबसे ज़्यादा वहाँ पर ले रहे हैं वो ले रहे हैं रोटावेटर। रोटावेटर एक ऐसा यंत्र है जो आपको बहुत फ़ायदा देता है। इसके लिए लोग जानते हैं कि मुझे चाहिए पावरफुल ट्रैक्टर। जब किसी ट्रैक्टर से जो 6 बार में काम होना है अगर 1 बार में कराना है तो उसके लिए ताकतवर ट्रैक्टर चाहिए। उसमें जैसे मेरे साथी शक्ति जी ने बताया कि हमारे पास 60 हॉर्स पावर में ट्रैक्टर है जो अभी बाहर खड़ा हुआ है, जिसके पास चल के हम लोग बातचीत भी करेंगे। ये ट्रैक्टर रोटावेटर स्पेशलिस्ट बनता जा रहा है। ये ट्रैक्टर है तो आपका 6 फुट से लेके 8 फुट तक का रोटावेटर किसी भी खेत में चलाने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे वो खेत ड्राई हो चाहे वो गीला हो। दूसरे नंबर पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आलू बेल्ट है वहाँ पर किसान चाहता है कि मेरे पास हल्का ट्रैक्टर हो, टायर ऐसे हों जो मेरी ज़मीन को दबाए ना, और उसके अंदर जब मैं आलू लगाऊं तो वो उसके अंदर फोक रहे, हल्का रहे, जिससे आलू ज़्यादा पैदा हो, ज़्यादा वजनी हो। तो वो लोग ढूंढ रहे थे ऐसा ट्रैक्टर कि जो मेरा ऑल पर्पज हो जाए। अभी तक जो मार्केट में ट्रैक्टर थे वो आलू लगाने में सक्षम थे, लेकिन जब खेत की हम जुताई कर रहे हैं तो उसके लिए जो काम 1 बार में हो जाना है वो 8 बार करना पड़ रहा था। जब हम आलू लगाते हैं, अगर कोई किसान ऐसे हैं यहाँ पर जो आलू लगाते हैं तो उनको पूरी जानकारी होगी कि ट्रैक्टर से आलू की पैदावार करने के लिए कितनी बार हमें जुताई करनी पड़ती है। पहले 1 बार जुतेगा, फिर उसको पानी लगेगा, फिर उसको उसका जो मोटा डले हो गए हैं उनको फोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद 1 बार जुतेगा, फिर दवाई डलेगी, फिर उसको बंद कर दिया जाएगा, फिर जुतेगा। लगभग 7 से 8 जुताइयों के बाद खेत तैयार होता है आलू लगाने के लिए। अब किसानों को हमारे ट्रैक्टर के आने के बाद, 60 HP के ट्रैक्टर के आने के बाद, इस ट्रैक्टर से एक ही बार में हम रोटावेटर अगर कर देंगे पानी लगाने के बाद, तो हम सीधा उसके अंदर आलू लगा सकते हैं। तो वहाँ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो पोटैटो बेल्ट है उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक किसान दूसरे को बताता, दूसरा तीसरे को बताता, उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ जहाँ रोटावेटर का इस्तेमाल नहीं है वहाँ पर अगर उसको करके देखेंगे तो आपको आपका खर्चा बचेगा, समय बचेगा और आपकी पैदावार अच्छी होगी। दूसरी चीज़, जब हम गन्ने को तोलने के लिए या किसी भी चीज़ को हम कांटे पे तोलने के लिए जाते हैं तो अपना वजन जो हम तोलने के गए हैं, चाहे वो गेहूँ हो, धान हो, गन्ना हो, जो भी फसल है आपकी, तो कांटे पे स्पेशली जो हमारे मील हैं जहाँ पर गन्ना तोलते हैं वहाँ पर लोग ये चाहते हैं कि मेरे ट्रैक्टर में कम से कम वजन हो और मेरा गन्ना ज़्यादा तुल जाए, क्योंकि इसकी सिलेक्टेड पर्चियाँ आती हैं, उस पर्ची पे हम 1 बार में जितना गन्ना चला जाएगा वो सारा तुल जाएगा।
उस पर आप एक्स्ट्रा नहीं रख सकते कि भाई एक बार और इसी पर्ची पे हम अपना गन्ना तोल दें। सिलेक्टेड पर्ची आती हैं, 5 आएंगी, 10 आएंगी, रकबे के हिसाब से आपको पर्चियाँ मिलती हैं। तो आपको एक ऐसे ट्रैक्टर की भी ज़रूरत है जो जिस ट्रैक्टर में वजन कम हो और मेरा गन्ना ज़्यादा तुल जाए, मेरी फसल जो भी जहाँ तुलती है लिमिट के हिसाब से, पर्ची के हिसाब से ज़्यादा तुल जाए। तो वैसा ट्रैक्टर भी हमने पश्चिम में प्रमोट किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसका भी आ रहा है। तो कुल मिला के जो मेरे को जानकारी है, हम लोग एज ए कंपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसान जिस तरीके का यंत्र चाहता है उस तरीके का यंत्र हम उनको उपलब्ध करा पाएं। इसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं और समय समय पर नए नए मॉडल्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने कुछ ही दिन पहले एक लिटिल ट्रैक्टर, बहुत छोटा ट्रैक्टर हमने बाज़ार में अभी उतारा है, जिसका नाम है बीर 20। बीर के नाम से रहेगा, आगे रहेगा 20। उस ट्रैक्टर को हमने बाज़ार में अभी उतारा है। उस ट्रैक्टर के साथ बहुत छोटा किसान जिसके पास 5 बीघा है, 6 बीघा है, 7 बीघा है, 4 बीघा है, 2 बीघा है, वो उसको खरीदने में उसको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आनी है, रेट ज़्यादा नहीं है और आपका सारा पर्पज हल हो जाएगा रोटावेटर को छोड़ के। आपकी हैरो वो चला लेगा, आपका कल्टीवेटर वो चलाएगा, ऑल पर्पज ट्रैक्टर है। आपने बाज़ार में फसल लेके, आपने कोई बिक्री के लिए मंडी में सामान लेके जाना है तो आप छोटी ट्रॉली लगा के आसानी से लेके जा सकते हैं। उसका भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश को 3 या 4 भागों में बांट के देखा जाता है, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश, एक पूर्वांचल, एक अपना सेंट्रल, एक अपना फिर बुंदेलखंड। तो 4 जगह में देखा जाता है। हम हर कोशिश कर रहे हैं कि हर ऐसा ट्रैक्टर बनाया जाए जो आपको सारे यंत्रों में काम कर पाए। तो मेरा एक्सपीरियंस पश्चिम उत्तर प्रदेश का तीनों चीज़ों में यह है कि हमारे पास पावरफुल ट्रैक्टर भी है, हमारे पास हल्का ट्रैक्टर भी है, हमारे पास ऑल पर्पज ट्रैक्टर हैं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जो भी जानकारी आपको चाहिए ट्रैक्टर के बारे में, कभी भी जो हमारे क्षेत्र अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करके लें और इस ट्रैक्टर की बिक्री में हमें आगे बढ़ाएं। किसी भी तरीके की समस्या के लिए हम हर समय तैयार हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम करूंगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि सुशील जी ने अभी बताया कि वी 20 के बारे में, तो ग्रीन टीवी ने भी वी 20 को कवर किया है, लॉन्च प्रोग्राम हमने कवर किया है। तो आप ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाके सारे फीचर्स के बारे में जान सकते हैं कि वी 20 के क्या क्या फीचर्स हैं। और मैं नेक्स्ट जो निवेदन करना चाहूँगी, श्रीकांत पांडे जी जो कि एरिया हेड है ईस्टर्न यूपी अंबेडकर नगर के, सर आप यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं किसान, उनको बताएं कि आपसे कैसे जुड़ सकते हैं और आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या खासियत है जो कि दूसरे प्रोडक्ट से इसे अलग बनाती है। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सभी लोगों का। काफ़ी लंबे समय के बाद मोनू जी ने एक ऐसा मौका दिया हम लोगों को, इस परिवार को, कि हम अकबरपुर अंबेडकर नगर के किसान भाइयों को अपनी सेवाएं मोनू जी के साथ दे पाएँ। आप लोगों के बीच में हमारे सीनियर लोगों ने काफ़ी प्रोडक्ट के बारे में, फीचर्स के बारे में सारी जानकारियां दी। हमारी इस कंपनी क्रेन के साथ साथ ट्रैक्टर में हम 20 हॉर्स पावर से लेके 110 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर बनाते हैं। हमारे ट्रैक्टरों में 20, 27, 34, 40, 45, 50, 65, 75, 90 ये हॉर्स पावर हमारे पास हमारी डीलरशिपों पे अवेलेबल रहते हैं। हम इसमें 2 तरह का इंजन इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास अपना एस का इंजन है और साथ में आप लोग जानते होंगे किर्लोस्कर का नाम सुना होगा, हम लोग अपने ट्रैक्टरों में किर्लोस्कर का भी इंजन करंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे पास 40 हॉर्स पावर, 45 और 50 हॉर्स पावर में अवेलेबल मिलते हैं। हमारे ट्रैक्टर भारत के किसी भी बैंक, किसी भी प्राइवेट फाइनेंस से अप्रूव्ड हैं। फाइनेंस के लिए हमारे पास सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। हम चाहेंगे हमारे बीच में हमारे किसान, हमारे कस्टमर अमरनाथ जी
हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं कुछ बताएंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। सब कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, लेकिन अगर आप लोगों के बीच में से अगर कोई उठ के आए और उस प्रोडक्ट का रिव्यू दे तो किसान को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि मैंने देखा है। मैं 7 साल से ग्रीन टीवी के साथ जुड़ी हुई हूँ। शुरुआत में लोग कहते थे कि कैसे, आप क्या जाने कि किसानों का काम कितना मुश्किल होता है आप एसी में बैठे, तो इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना ग्राउंड पे जाया जाए, आप लोगों के बीच में काम करके हम ये पता लगाएं कि कितना मुश्किल है। सही में बहुत मुश्किल काम है, और हमारा कोशिश यही होता है कि इनोवेटिव फार्मर्स या एग्रीकल्चर कंपनी के नए प्रोडक्ट्स जिस तरीके से भी आपको बेनिफिट है, वो आप तक जिस भी तरीके से जानकारी पहुंचा सके, हम कोशिश करते हैं कि हम वो करें। तो हमारे बीच जो है वो एक आप लोगों के बीच में से ही एक किसान है, अमरनाथ सिंह जी, जो कि जिन्होंने यूज़ किया है एस का प्रोडक्ट, जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। तो अमरनाथ जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे चौपाल में, और प्लीज़ आप यहाँ मौजूद जितने भी दर्शक हैं और ग्रीन टीवी के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप अपना रिव्यू दीजिए कि आपको एस परिवार के साथ जुड़ के कैसा फील हो रहा है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, मंचस्थ अधिकारीगण, हमारे सम्मानित किसान भाई, हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले हम किसान हैं, कोई भी आदमी हो पहले तो किसान अपने को बेचारा समझ बैठा है, और लोग भी बेचारा कहते हैं, जिसकी कमाई के सामने हर जीव, जिसकी कमाई का एक निवाला बगैर सिर झुकाए कोई जीव अपने मुंह में डाल नहीं सकता, वो बेचारा कहा जाता है। आप लोग विचार करें ऐसा क्यों है। तो हम अपने को शक्तिहीन ना समझें, और हम जहाँ तक ट्रैक्टर की बात है तो 65-65 B2 और अत्याधुनिक कृषि यंत्र शायद ही कोई हो जो हमारे पास ना हो, जिसमें उस गाड़ी से हम खिंचवा रहे हैं केन प्लांटर, गन्ना बुवाई की मशीन, जो जिस समय चलने के लिए तैयार होती है वो 18 क्विंटल हो जाती है, उसका वेट हो जाता है 18 क्विंटल। मैंने डेमो किया गाड़ियों का डेमो करवाया, यंत्र पीछे से नहीं उठता था, आप लोग यकीन माने गाड़ी आगे से उठ जाती थी। और फिर श्रीकांत जी हमसे लगभग 200 वर्ष से जुड़े हुए हैं, हमने आपसे निवेदन किया कि इस तरह से कोई व्यवस्था बनाइए, ये गाड़ी 65-65 B2 हमने शोरूम पे देख करके नहीं लिया है, अपने 18 क्विंटल यंत्र को उठवा करके तब लिया है। इसके बाद हम उससे चलवा रहे हैं सुपर सीडर भी, जिस वक्त खाद और बीज लोड हो जाता है वो 13-14 क्विंटल, अगर आप खाद बीज कम कर रहे हैं तो वजन कम हो जाता है, नहीं तो लगभग 75-75 1.5 क्विंटल उसमें खाद और बीज आ जाता है। ये सभी यंत्र जिनको अन्य गाड़ियां उठाने में भी दिक्कत आ रही है, ये गाड़ी चला रही है। कोई अपनी गाड़ी में चक्की का पत्थर बांध करके आगे पीछे के यंत्र को बैलेंस कर रहा है, कोई जो है इंजन का फ्लाईव्हील लगा करके उसको बैलेंस कर रहा है, लेकिन ये जो S65-65 B2 गाड़ी है इसको बहुत आसानी से चला रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। इसके बाद ये सब हमारे जो है 2.5 मीटर के हैं, 7 फुट का वो चल रहा है, 7 फुट का सुपर सीडर और 2.5 मीटर का रोटावेटर गाड़ियाँ, ये हमारी चौथी गाड़ी है, पहली नहीं है। तो नो डाउट इस गाड़ी में कोई संदेह नहीं है, मैं आपके बीच का हूँ, मेरा घर यहाँ से लगभग 30-32 किलोमीटर है, हमारे क्षेत्र से भी लोग आए हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, गाड़ी फील्ड में चल रही है, आकर के उसको आप देखिए। कुछ लोग ऐसे भी इसमें होंगे जिन्होंने उस गाड़ी को चलते हुए देखा है। आपको बताएं, सुपर सीडर बहुत लोग लिए हैं, सुबह 7 बजे से रात में 1-2 बजे तक गाड़ी जो है धान की बुवाई कर रही है इस समय। लेजर लैंड लेवलर 7 फुट का चल रहा है, और ये रोटरी सेरसल चल रहा है, मतलब और ये गन्ना पोटैटो प्लांटर मीन्स आलू बुवाई की बड़ी वाली मशीन चल रही है, और मैं 85 से
अभी तक अनवरत ट्रैक्टर के उसमें चल रहा हूँ, लेकिन ये 65-65 B2 बहुत अच्छी गाड़ी है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप लोग जैसे यहाँ कृषि विभाग के भी अधिकारी मौजूद हैं, तो आप लोग संपर्क में रहें। हम लोग जो है दूसरे की बात सुनते हैं चाय की दुकान पर बैठ करके, कितने बढ़िया अधिकारी हैं जिन्होंने कहा कि अहरनिश एनी टाइम, एनी क्वेश्चन एनी टाइम एनी हुएर, आप जो कोई भी प्रश्न उनसे पूछें। उन्होंने क्या प्रतिबंधित किया कि आप जो है सबसे पहले बता दें कि मैं किसान हूं और मेरी ये समस्या है, उसका आप समाधान बता दें। तो इस लाइन पे चलें। गाड़ी इस समय अभी अपने जो है बीजेपी के अध्यक्ष महोदय भी बताए कि स्कीम बहुत है, लेकिन हम लोग नेटवर्क में नहीं रहते। जब हमारा नेटवर्क नहीं रहता तभी ये गड़बड़ी हो जाती है। आप लोग विभाग से और कंपनी से जुड़े रहें। धन्यवाद सर। और अभी बाहर जिन ट्रैक्टर्स के बारे में बताया गया है वो बाहर लगाया हुआ है, तो कार्यक्रम के बाद जो है वो हम लोग वो प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन भी करेंगे, तो आप लोग जो है वो देख सकते हैं, आपकी जो क्वेरी है उसका आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। मौका अच्छा है क्योंकि ऐसा बहुत कम मौका मिलता है कि खुद कंपनी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आप लोगों के बीच में आए हैं, और ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए है। और जैसे अमरनाथ सिंह जी ने कहा कि नेटवर्क बना के रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करें, जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हो या फिर एग्रीकल्चर विभाग हो या फिर कंपनी हो या फिर ग्रीन टीवी हो, हम लोगों का मेन मकसद यही है कि आप लोग जो है आप लोगों तक सारी जानकारी पहुंचे और जितना ज़्यादा हो सके आप लाभ पहुँच आपको मिल सकें। तो मैं जो नेक्स्ट बुलाना चाहूँगी वो योजनाओं से जुड़ी हुई, क्योंकि योजनाएं बहुत होती है, बस कमी है कि वो योजनाएं आप तक पहुँच नहीं पाती है या आपको उन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो मैं डॉक्टर AK सिंह जो कि जिला सलाहकार है अकबरपुर अंबेडकर नगर से, मैं सर आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग का कौन कौन सी योजनाएं हैं ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों के बारे में या उससे रिलेटेड, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें और उन योजनाओं से कैसे लाभ ले सकते हैं और कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। थैंक्स संचालक महोदया। आप सभी को कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं में यंत्रों से रिलेटेड जानकारी प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो ये ACE और ग्रामीण TV के कॉम्बाइन मंच पे हमें बोलने का अवसर मिला है। देखिए, इनका मेन फोकस ACE है, ACE ट्रैक्टर। चूँकि हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कंसल्टेंट पद पर है, इसलिए मेरा अपना काम भी वही है। मित्रों, मैं बता दूँ, अभी इस साल आप लोग आभास किए होंगे कि लास्ट मार्च में लू चल जाने की वजह से गेहूं का उत्पादन कुछ प्रभावित हुआ है, कुछ नहीं अच्छा खासा प्रभावित हुआ है। और अच्छा किसान हूं, मेरा खुद उत्पादन करीब 30-40 कुंतल प्रभावित हुआ है पिछले सालों की तुलना में। तो मैं फोकस करना चाहूँगा जो आपका ये ज्वाइंट सेमिनार है, इस पर आपका कहने का मतलब है कि किसान हमारे कृषि यंत्रों से कैसे लाभान्वित हों। कृषि यंत्रों पर अनुदान के बारे में मेरे किसानों को मैम बताने की जरूरत नहीं, जितने मैं मुझसे अच्छा मेरा कोई एक किसान उठा दूंगा तो बोलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 4 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, लगभग सबका ऑनलाइन यहाँ हुआ है, यो कोई ऐसा किसान है जिसका ऑनलाइन नहीं हुआ है? देखिए, मेरा 100% कौन, सारे लोगों का ऑनलाइन हुआ है ना, मेरा ये जनपद 100% सिचुएटेड है, तो ऑनलाइन तो आप लोगों ने कराई लिया है। अब रही बात कि हम अब जैसे रोड सबसे महत्वपूर्ण जो यंत्र इस समय है, जो मैं चूंकि ACE का जो 65-65 जो ट्रैक्टर है, इसका जो आगे वाला चक्का थोड़ा बड़ा होता है, और इसका जो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट में दिए हैं 22.5 क्विंटल इनकी लिफ्ट उठाने की क्षमता होती है। ये मेरे गांव में भी FPO के थ्रू मैंने, हमारे मित्र हैं हमारे साथ BSCG कर रहे थे राजेंद्र उपाध्याय, उनको मैंने ट्रैक्टर दिलाया और सुपर सीडर दिलाया। आप यकीन मानिए
कि सुपर सीडर एक कृषि यंत्र, चूंकि आपने बताया अभी मिस्टर सिंह ने कि लोड पाने के बाद आगे या और ट्रैक्टर थोड़ा उठने लगते हैं, लेकिन इसका आगे वाला चक्का बड़ा होता है और हाइड्रोलिक क्षमता जितनी बढ़िया इसकी है अन्य ट्रैक्टरों में संभव नहीं है, और सुपर सीडर को लेकर के जितना बढ़िया ये चलता है कोई और ट्रैक्टर चल नहीं पाता है। हमने खुद अपने खेत में पिछले फसल में गेहूं की बुआई और अब की बार 6 बीघा हमने धान की भी बुआई करवा रखी है। तो मैम ये जो ट्रैक्टर अनुदान पे दिया जाता है तो सिंगल ट्रैक्टर अनुदान की हमारे यहाँ कोई स्कीम नहीं है। हमारे यहाँ कृषि यंत्र अनुदान की 2-3 स्कीमें हैं, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट पद पर कार्यरत हूँ, इन सीटू योजना है, उसके बाद नमूप योजना है, बिजराई योजना थी बंद हो गई, इन 3-4 योजनाओं में कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलता है। और अनुदान का तरीका बिल्कुल सीधा सीधा है कि ये जब हम अखबार में देखते रहेंगे इसके लिए आपको ऑनलाइन टोकन निकालना होगा, और ये कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया है। जिस समय टोकन निकलता है 2 दिन पहले से ही अखबार में ये मालूम मतलब सूचित किया जाता है कि आज इन इन जनपदों का 20 तारीख को टोकन निकलेगा। आप यकीन मानिए जिस दिन टोकन निकलता है 27 लाख किसान उस पर दिखाई देते हैं। हम लोग तो देखते हैं कि इस समय कितने किसान हैं, इस समय कितने किसान हैं, लेकिन निश्चित तौर पे अगर हमारा चतुर किसान है जो उसका ऑनलाइन आपने कराया है, जो आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है, बिल्कुल व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, टोकन निकालने का तरीका ठीक ठाक, आपके लड़के के पास मल्टीमीडिया मोबाइल है तो नेटवर्क में बैठ जाइए, या किसी साइबर कैफे पे जा करके, या लैपटॉप लेके आप बैठ जाइए जहाँ नेटवर्क पूरा हो, और उसमें 2 चीज़ें हैं, आपका आधार और रजिस्ट्रेशन नंबर, और प्लस जो वो मोबाइल रजिस्टर्ड है वो आपके पास होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, अगर आप उसको लेके बैठते हैं आपको जिस यंत्र पे रोटावेटर सीड ड्रिल सुपर सीडर जिन यंत्रों पे आपको अनुदान लेना है उसका टोकन विभिन्न योजनाओं में निकलता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो ट्रैक्टर है हमारा 3 योजनाओं में जाता है, एक तो कस्टम हायरिंग केंद्र जिसमें हम जो भी हम कृषि यंत्र देते हैं उसमें मूल्य का 50% अथवा आधा हम अनुदान देते हैं। इसी तरीके से ट्रैक्टर को अनुदान पे लेने के लिए एक कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना जो व्यक्तिगत है, अगर आप कस्टम हायरिंग केंद्र का टोकन लेते हैं और व्यक्तिगत लाभ लेना चाहते हैं तो 10 लाख तक के ट्रैक्टर सहित कृषि यंत्रों पे हम आपको 4 लाख रुपया अनुदान कृषि विभाग द्वारा देते हैं। दूसरा ट्रैक्टर फार्म मशीनरी बैंक में आता है, उसमें हम 10 लाख के मतलब उसमें 40% अनुदान है, और जब आप फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करते हैं तो उस पर हम 80% अनुदान देते हैं। और अब जो नया चला हुआ है तीसरा मैं बता रहा हूं, एफपीओ के बारे में मेरे ख्याल में लगभग जो यहां बैठे हैं 50% किसानों को जानकारी है, कम से कम 3-4 लोगों ने एफपीओ भी अपना बना लिया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कृषक उत्पादक संगठन, इस पर अगर आप कृषि यंत्र लेते हैं तो आपको 12 से लेकर 14 लाख रुपया तक 90% अनुदान हम देते हैं कृषि विभाग द्वारा, जिसमें आपका ट्रैक्टर सम्मिलित रहता है। ये 3 योजनाओं में अगर आप टोकन निकाल लेते हैं तो आपको हम 3 योजनाओं में ट्रैक्टर के साथ कृषि यंत्रों पर 40% 80% और 90% तक अनुदान उपलब्ध कराते हैं। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मैं निवेदन करना चाहूंगी वो आप लोगों के बीच से ही है और काफी सालों से जो है वो आप लोग इनके साथ जुड़े हैं। अगर आपके पास एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है ट्रैक्टर है, मैं बात कर रही हूँ मोनू सिंह जी का। सर आप बताएं, मोनू जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और आप यहाँ पे मौजूद जितने भी किसान भाई हैं और हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी हमारे किसान ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप बताएं कि एस के साथ जुड़ने में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं यहाँ पे मौजूद जितने भी किसान हैं मैं बता दूँ आपको, जितने भी ट्रैक्टर्स या एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट आपने यूज़ किया होगा ये सबसे आसान नाम आपको लगा होगा एस, ए
सी ई बी और डी हटा दीजिए ऐसे ए और ई के बीच से, तो एस जो कि आपको बहुत आसानी से याद भी रहेगा। तो मोनू जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा है एस परिवार से जुड़ के, इसके बारे में आप हमें बताएं। नमस्कार, अभी तो हमें लगभग एक हफ्ता हुआ है एस के साथ जुड़े हुए, तो एक्सपीरियंस तो ट्रैक्टर डिवीजन में बहुत अच्छा है। हम जॉन डियर में लगभग 11 साल तक जॉन डियर के डीलर रहे हैं, और इस एक दिन हमारी मुलाकात बाबू साहब से हुई, बनगांव के जीएसटी ऑफिस में बैठे थे हम लोग, आपस में ट्रैक्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमने कहा ट्रैक्टर कौन सा अच्छा होता है सुपर सीडर चलाने के लिए, तो उन्होंने कहा हमसे कि आप एस की एजेंसी ले लो। जब हम जॉन डियर छोड़ना चाहते थे उस समय कई ब्रांड हमको अप्रोच किए, फिर बाबू साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हम चला रहे हैं, हमारा अनुभव बहुत अच्छा है, आप हमारे साथ एक बार चलिए, खेत में चला के दिखाते हैं और किसान बहुत संतुष्ट होंगे अगर आप एस ट्रैक्टर बेचेंगे। फिर श्रीकांत जी से हमारी मुलाकात हुई बाबू साहब के ही माध्यम से, श्रीकांत जी हमको बहुत दिनों से जोड़ना भी चाह रहे थे अपने साथ, लेकिन ऐसा मौका मिला नहीं, और बाबू इसमें सिंह साहब का बड़ा योगदान रहा, हम एस के डीलर हुए। और बाकी आप लोगों की सर्विस सेवा के लिए हमारी टीम और हम लोग हमेशा तत्पर हैं। आप लोग इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत आभार, पूरी टीम को धन्यवाद। डीडी सर आपके सहयोग से ये पॉसिबल हो पाया है ये कार्यक्रम, और इसी के साथ जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी और मोनू सिंह जी, सर मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग हमारे कार्यक्रम में आपने अपना कीमती वक्त दिया और ये जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सवाल जवाब भी होगा और आप लोगों से 5 सवाल पूछे जाएंगे, जिसने भी सही जवाब दिया उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। उससे पहले मैं राजकुमार मिश्रा जी को बुलाना चाहूँगी जो कि एरिया हेड है ईस्टर्न यूपी के। सर आप अपना एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें बहुत कम शब्दों में। मंच पे उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण और सामने जो कौम बैठी है वो किस्मत में नहीं परिश्रम पे विश्वास रखती है, तो कृपया एक बार आप अपने लिए ताली बजाइए। आप लोग सरकार के साथ साथ कंपनी का भी एक ये है कि कमर्शियल खेती के तरफ किसान बढ़ें, जिसको ध्यान में रखते हुए छोटे किसान के लिए कंपनी ने बीर 20 एक मॉडल 20 एचपी कैटेगरी में लॉन्च किया, जो छोटे किसान छोटे फार्मर के लिए बहुत उपयोगी है। समय समय पे सरकार के डेलीगेट के साथ कंपनी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होती है, किसान द्वारा दिए गए सुझाव को कैसे अपने प्रोडक्ट में हमको इम्प्लीमेंट करना है उसको आगे ध्यान में रखते हुए हम अपने मॉडल को संशोधित करके किसान भाइयों के लिए मार्केट में उतारते रहते हैं। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, नमस्कार। तो अभी हम आते हैं सवाल जवाब पे, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई समस्या हो आप लोगों के पास जो पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप आएँ, यहाँ पे आएँ सर, यहाँ आइए। अपना नाम? रिंकू वर्मा। क्या पूछना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सभी मॉडलों में डिफरेंशियल लॉक होना ज़रूरी है, आपके गाड़ी में डिफरेंशियल लॉक नहीं है। 65 V2 है उसमें डिफरेंशियल लॉक आपको मिलेगा। अगर एक और में आ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं ट्राली चलाता हूँ जहाँ दो ट्रैक्टर की जरूरत होती है, अगर डिफरेंशियल लॉक है तो वहाँ सिंगल ट्राली ट्रैक्टर से वो ट्राली निकल जाती है। आपका सुझाव मैं नोट कर ले रहा हूँ, अपने पास जो दो गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं इसमें से V2 में डिफरेंशियल लॉक है। देखिए साथियों, इन्होंने जो हमारे साथी हैं एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है, और आप लोगों को बता दूँ कि जो ऑपरेटर है जो ट्रैक्टर चला रहा है उसको डिफरेंशियल लॉक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर इस जानकारी के अभाव में कोई डिफरेंशियल लॉक का इस्तेमाल कर देता है तो ट्रैक्टर पलटने की संभावना और टूट फूट की संभावना बढ़ जाती है, तो खासकर इस फीचर को भी लाने का प्रयास करेंगे और ऑपरेटर की ट्रेनिंग इससे करवा पाएं इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग? जी सर, अपना नाम? इधर आइए सर। कुमार इधर। हाँ, नाम? दीपक कुमार। सवाल मेरा यह है सर जी, जैसे इस क्षेत्र में ये
ट्रैक्टर अभी कम चल रहा है, तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ किसानों को, दो चार गांव के किसानों को लेकर इकट्ठा करके खेत में चलवाया जाए, तब जाके ये प्रचार प्रसार इसका बड़े हुआ। मैं दीपक जी से अनुरोध करूंगा, यहाँ आ जाए, आ जाइए साथियों। इन्होंने बोला है कि 4-5 गांव के लिए हम एक डेमो की व्यवस्था कर दें। श्रीकांत जी आप दीपक जी का गांव नोट कर लें और कल सुबह इनके सानिध्य में, इनकी मदद से इनके गांव और आसपास के 4 गांवों को कल कवर करवाइए डेमोस्ट्रेशन, ठीक है? तत्काल, अगर ये कल बोलें कल, परसों बोलें परसों, इनका गांव, इनका नाम, पता और मोबाइल नंबर लेकर कल ही डेमो सुनिश्चित कर दीजिए। अब आता होगा, आप लोगों को हाथ खड़ा करना है, जो भी सही जवाब देगा उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। 65 जो ट्रैक्टर है इसके इंजन की सीसी क्या है? सीसी करना है आपको। सवाल खत्म होने के 3 या 2 सेकंड के बाद ही उत्तर दे दिया था, तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा सवाल, 65 V2 में कितने गियर हैं? सर आपका नाम? अमरनाथ सिंह। जवाब? 24 गियर। सर तीसरा सवाल, इस समय उपलब्ध बाजार का 60 हॉर्स पावर ट्रैक्टर जिसके साथ आप बोल सकते हैं अब हुआ मुकाबला खत्म, 60 हॉर्स पावर ट्रैक्टर जो कि हमारा 10 गियर वाला है जिसको हम लोग 65 NG बोलते हैं, इसकी कीमत कितनी शक्ति जी ने बताई थी? धन्यवाद। अगला सवाल, 65 V2 में ड्यूअल क्लच है या डबल क्लच है? उसका क्लच होता है। बहुत बढ़िया। और ड्यूअल होता है, पैडल में होता है। अच्छा, मतलब अगर, बहुत सही जवाब इन्होंने दिया, मैं इसको थोड़ा सा आपको उल्लेखित कर देता हूँ। ड्यूअल क्लच का मतलब है एक ही पैडल से लगेगी, और डबल क्लच का मतलब है अलग अलग पैडल से लगेगी, एक हाथ से लगेगी, एक पैर से लगेगी। हमारे किसान भी हैं या अभी किसान होने जा रहे हैं? मतलब हमारा ब्रांड का ट्रैक्टर है आपके पास? अच्छा, फिर भी आपकी जानकारी के लिए जोरदार तालियां। आखिरी सवाल सर, इस कंपनी का पूरा नाम? नाम आपका? भूपेंद्र गुप्ता। जवाब? एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी एस ट्रैक्टर के पूरे परिवार का कि उन्होंने मौका दिया इस चौपाल आयोजन का, हमें मौका दिया ये चौपाल आयोजन करने का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट DD कार्यालय का, DD सर का, कि आप लोगों ने हम पे विश्वास किया और ये कार्यक्रम में हमारा सहयोग दिया। और साथ में मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पे मौजूद जितने भी किसान हमारे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि क्योंकि आप लोगों के बिना ये कार्यक्रम अधूरा था। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953218363 या फिर 9540300003। तो फिलहाल आज के इस चौपाल में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।